तो भाई कमेंट में बताना ये इतना बड़ा अंडा किसका हो सकता है। और समुंदर इस टाइम मतलब ऐसा भयानक रूप ले रखा ना समुंदर ने, देखो पुलिस वाले क्या करते हैं कि जैसे अपन बाहर से आए हुए उनको पता है कि टूरिस्ट हैं। सो गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और बाहर हो रही है बारिश, तो वो दिखाते हैं आपको। ये सामने है अपने होटल का स्विमिंग पूल और बारिश हो रही है। इस मौसम में बाहर तो कहाँ निकलेंगे, अगर दिन भर बरसता रहा तो बाहर घूमने लायक तो नहीं रहेंगे। अभी फिलहाल जा रहे हैं नाश्ता करने, चले नाना जी चलो बुलाओ लेफ्ट को। तो भाई कमेंट में बताना ये इतना बड़ा अंडा किसका हो सकता है ना। अपन तो ये खाएंगे, ये वाले नॉर्मल मुर्गी के अंडे खाने वाले हैं, और आप लोगों को ये बताना है कि अंडा किसका है। राणा खा रहा भाई एकदम हेल्दी खाना, फ्रूट्स कॉर्नफ्लेक्स जूस, और अपन खा रहे एकदम अनहेल्दी छोले भटूरे पराठे। राणा पराठे वराठे खा लिया सर? नहीं, सुबह सुबह हेल्दी ब्रेकफास्ट। भाई कल शाम को हमने क्या किया, हम यहाँ से गए पैदल बागा, और हमें लगा चलो कोई बात नहीं वापसी में टैक्सी से आ जाएंगे, लेकिन हमने शाम को वहाँ बागा पे बैठ के जो भी खाया पिया उसके बाद वहाँ से वापसी भी पैदल ही आए। तो कल हमारा 2 घंटे का हो गया मतलब पैदल वापस, और रात को 12:30 बजे हम लोग गए। लास्ट में आगे हमने टैक्सी पकड़ी थी, बिल्कुल लास्ट में होटल के पास पहुँच गए थे ना, तब हमने टैक्सी पकड़ी। राणा के पाँव में ज़्यादा ही दर्द हो रहा था। ब्रेकफास्ट तो हो गया है, 9:45 बजे का टाइम हो गया, लेकिन बारिश हो रही है। बारिश में जाने का सिस्टम समझ नहीं आ रहा कि हम कैसे जा पाएंगे, क्योंकि आज हमें स्कूटी लेकर जाना है। मतलब लोकल जो है चीज़ों को एक्सप्लोर करने का प्लान था, प्लान तो अभी भी वही है, क्योंकि कुछ और हमने आज शेड्यूल किया नहीं है। तो बारिश रुकेगी तो ही स्कूटी लेकर जा पाएंगे, क्योंकि बारिश में तो भीग भी जाएंगे, चीज़ें भी होंगी, मोबाइल गैजेट्स होंगे, सब होंगे। तो देखते हैं बारिश रुकने का वेट करते हैं, और फिर नहा धो के निकलते हैं। अभी तो नहाए भी नहीं है, सीधा उठ के और फ्रेश होके और ब्रेकफास्ट करने आ गए थे। तो भाई राणा ने स्कूटी ले ली है रेंट के ऊपर। राणा कौन सी स्कूटी ली है, लाल वाली? है राणा, कौन सी ली है? बिल्कुल नई है एकदम। चलो तो ये स्कूटी आज हमारी रहेगी सवारी भाई। हाँ यार उसको भाई स्टार्ट कैसे होती है बता दो। अच्छा हो गई, वाह भाई चला लेंगे ना रणा। हाँ ना धोके आते एक राउंड तो ले जाए आगे तक। अब राणा ले रहा है टेस्ट ड्राइव, वहाँ दोनों ब्रेक है, एक आगे का एक पीछे का, आराम से मारियो। राणा टेस्ट ड्राइव लेकर आ रहा है कि दिन भर ये चला पाएगा, गिराएगा तो नहीं कहीं पे। स्कूटी ले लिए भाई रेंट पे, और अब जा रहे हैं तैयार व्यार होने। टाइम हो गया 10:15 का, 11 बजे के आसपास हम यहाँ से निकलने का फाइनल रखते हैं। क्यों राणा 11 बजे निकल जाएंगे? भाई सवारी निकल चुकी है स्कूटर पे, आज राणा जी चला रहे हैं स्कूटर, अपन पिलियन बैठे हैं। यहाँ पे पिलियन के लिए हेलमेट की कोई ऐसा खास रूल नहीं है, और आज हम सब बीच को एक्सप्लोर करेंगे जो जो हमारे आसपास है। अंजुना बीच है, बाघा बीच कल हम गए थे, तो बाघा बीच को दोबारा देखेंगे ढंग से दिन में, रात को तो क्या देखते। और कलून गेट है, नहीं कलून गेट नहीं यार, ये कलून गेट ना मैं गलत प्रोनाउंस करता हूँ, कालनगुट, कालनगुट बीच है भाई, जहाँ ठहरे हुए ना ब्लॉसम सूट्स, ये भी कालनगुट में है। और धूप निकल चुकी है भाई, ये देखो धूप निकल चुकी है, कोई बारिश नहीं है फिलहाल। एक तो भाई यहाँ पे टैटू वाले बहुत हैं, पता नहीं कितनी दुनिया टैटू बनवाती है, मतलब इसी लाइन में ये देखो, ये दिख रहे होंगे सामने टैटू 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 सेंस टैटू यश टैटू, भाई पता ही नहीं कितने लोग यहाँ टैटू कराते हैं। ये देखो इस तरफ भी टैटू, कल क्या करता 100 रुपये में टैटू बना लो ऐसा कुछ करता वो, 100 रुपये का टैटू तो क्या ही टैटू होगा, 5:30 उतरवाने में 1000 रुपये लग जाएंगे। ये थाई स्पा और टैटू, हाँ कल हम यहीं से गए थे पैदल पैदल जो गए थे ना, कल हमने यही रूट पकड़ा था। ये ट्रैवल अब वाली वो मैडम है गायत्री,
जिनसे अमन ने बात करी थी, ये रही मैडम गायत्री मैडम, और ये रास्ता जा रहा है बागा बीच की तरफ। यहाँ पे गोलगप्पे खाए थे भाई कल, कल हम पूरा ये रास्ता पैदल 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 आए थे, और हमारे को लगा था 1 घंटा यहाँ आने में, मतलब यहाँ क्या थोड़ा और आगे गए थे, पर ये पूरा रास्ता कल हमने पैदल कवर किया था शाम को, और वापसी भी पैदल ही गए थे। पार्किंग में भाई स्कूटर लगा दिया, अरे भाई इसको खोलने के लिए देख रहा ना, अभी अपन पहले यहाँ चाबी ढूंढते थे, इसको क्या यहाँ तक खोला, उसके बाद बिना दबाए ये ऐसे किया, ये खुल गया। और इधर करेंगे तो, अरे बस हो गई एक बार, अब तो रख इसमें सामान, पानी की बोतल ले ले। तो हम लोग पहुँच गए भाई बागा बीच। कहाँ गए राणा जी, आ जा भाई, क्यों रुक गया, धूप हो गई भाई, थोड़ा सा छांव हो जाए ना तो सही रहेगा, क्योंकि धूप जैसे ही निकलेगी ना तो ह्यूमिड हो जाएगा, बारिश हो रही है रोज़ थोड़ी थोड़ी, और धूप में ह्यूमिड हो जाएगा बहुत ज़बरदस्त। तो ये भाई बीच, मोटर बोट्स खड़ी हुई हैं, मतलब वो पीछे इंजन लगा रखा है बोट पे, और वो देखो वो लिखा हुआ सामने बागा बीच, किंगफिशर का बड़ा सा बोर्ड है, स्मेल आ रही है मछलियों की, स्विमिंग इज़ प्रोहिबिटेड, तैरना मना है, और ये नीचे मराठी में लिखा हांगा पोवर पांचेर बंदी आसा। खैर हाँ खैर, बहुत मतलब टाइड्स बहुत किस टाइम क्या बोलते हैं तेज़ उस पर, अपने लोग भाई फुल मस्ती कर रहे हैं फुल एकदम, लेकिन लहर इतनी तेज़ है जिसको स्विमिंग नहीं आती अगर ले गई ना तो वो भाई जो एक दो बैठे हुए खैर वहाँ पे वो रेस्क्यू वाले इतनों को बचाएंगे वो। ये भाई रेस्क्यू वाले क्या लाइफ सेवर, ये सीटी मार मार के अपनी तरफ से कोशिश तो पूरी कर रहे हैं कि लोग ज़्यादा आगे जाएं नहीं, लेकिन भाई लोग भी तो बहुत सारे डीट होते हैं जो मानते नहीं हैं। तो भाई बागा बीच से निकल के अब जा रहे हैं हम कलंगूट बीच की तरफ, और भाई बीच में धूप निकलती है तो पसीने आते हैं दबा के, शटर बंद कर रहा था, पसीने आ जाते हैं दबा के, धूप ना निकले भाई, बारिश ना हो, धूप ना निकले, बस छाया रहे तो मज़ा आ जाएगा, तभी घूमने में मज़ा आएगा पूरा। ए का क्या मतलब है? ए का मतलब अभी देखते हैं भाई, स्कूटर भी समझना पड़ रहा है साथ साथ, ए का क्या मतलब है टीको का। तो भाई ये है वो टीटोस जहाँ कल आए थे हम, लेकिन हमारी बात बनी नहीं, मतलब अपने को जमा नहीं, इसके आगे फिर वो मांबो में भी गए थे कल, यहीं तो घूम रहे थे भाई मांबो, आगे लेना वहाँ नहीं, वहाँ तो लेता मैं कह रहा हूँ आगे चलें, हाँ वो रही ना आगे पार्किंग मांबो उसके पास। ये भाई टीटोज एरिना, कौन है ये टीटोज भाई, कलंगूट बीच का क्या है गूगल मैप्स पे जो भी रास्ता दिखाता है ना, मतलब वो पता नहीं कहाँ कहाँ से, पहले हम टीटोज पहुँच गए कलंगूट बीच दिखाया गूगल ने, फिर अभी हम एक जगह और आए हैं इसको भी गूगल ने कलंगूट बीच ही दिखाया है, अब ये एग्जैक्टली कलंगूट बीच है कि नहीं पता नहीं। ये सामने की तरफ भीड़ तो बिल्कुल नहीं है, कोई नहीं है, कोई लोग नहीं है ना, कोई शैक है, मेरे ख्याल से थोड़ा सा आगे होंगी शैक्स होंगी, तो थोड़े बहुत लोग आए हुए इधर, तो ये है तो सीरा ना, वो है कलंगूट बीच जहाँ ये भीड़ सी हो रही है ना, वो है भाई। टाइड्स देखो क्या हाई टाइड्स चल रही हैं इस टाइम भाई, ये लाइव गार्ड बैठे हुए हैं जगह जगह पर, और समुंदर इस टाइम मतलब ऐसा भयानक रूप ले रखा ना समुंदर ने, ये देखो सामने मौसम ऐसा पूरा बारिश का दिख रहा है, पूरा ऐसा बारिश का मौसम हो रहा, और ये लहर देखो यहाँ तक, मतलब अनप्रेडिक्टेड है कहाँ तक आएगी, मौसम बढ़िया शानदार हो रखा है, लेकिन थोड़ा सा क्या है रिस्की है, जो लोग थोड़ा आगे चले जाते हैं उनके लिए, वो दो भाई लोग आगे गए हुए हैं, कोई सी भी एक लहर बाई चांस आई और खींच के ले गई तो भाई ढूंढते ही रह जाएंगे। तो भाई इस व्लॉग को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज बहुत ही मज़ा आने वाला है भाई, दो बीच हमने कवर कर लिए, बाकी 3-4 बीच जो और हैं वो भी आज ही घूमेंगे, और मतलब पहाड़ों के व्लॉग्स तो आपने खूब देखे होंगे, खूब पहाड़ों पे गए हैं, स्पीति लद्दाख मनाली सब देखा है, ये पहली बार हमारा व्लॉग आएगा बीच का। भाई मौसम हो गया एक नंबर, मतलब गजब मौसम हो गया, और कलंगूट बीच पे बैठ के हमने थोड़ा अपना एक आधी बियर वियर पी, और अब निकल रहे हैं हम लोग यहाँ से कंडोलिम की तरफ जाएंगे, अभी देखते हैं कितनी दूर है कंडोलिम, अरे ध्यान से उतरना पड़ेगा। तो भाई टू व्हीलर ले लिया, ये हमने बढ़िया काम किया आज, क्योंकि वैसे तो टैक्सी पकड़ के और वो सब करके कहाँ तक जाते हैं, यहाँ ये बढ़िया फैसिलिटी, मैंने उससे पूछा था टू व्हीलर वाले से, वो बोला भाई साहब पूरे
गोवा में आप ये मान के चलो कम से कम 1-2 लाख टू व्हीलर तो होंगे ही, क्योंकि सीजन के टाइम वो भी कम पड़ जाते हैं। अरे तो भाई आज चला रहे हम स्कूटी गोवा की सड़कों पे और फुल एक नंबर इंजॉयमेंट चल रहा है, एक नंबर भाई। वही कोरवाल के साथ आए थे ना, फोन हो गया था सारा, मेरे को लगा गोवा में ही कमी है, लेकिन कमी गोवा में नहीं थी भाई, कमी क्या हम काम से आए थे, कमी तो रोहित कोरवाल में भी थी भाई, देख लेगा तो मिल जाएगा, लेकिन क्या हम काम से आए थे, इस बार हम आए घूमने के लिए। और ये आप आ गए हैं मेन रोड के ऊपर, है ना, लेफ्ट लूँ राइट लूँ? राइट राइट तो फिर भाई वो लेफ्ट में लो, इधर हमें जाना है भाई। लंच करने के लिए रुके हैं और गोवा का क्या प्लस पॉइंट है कि आप जहाँ मर्जी रुको खाना खाने के लिए वहीं पे आपको बार मिल जाएगा, मतलब कहीं पे छोटे से छोटे बड़े से बड़े कहीं पे भी रुको वहाँ पे बार मिलेगा, आराम से बियर पियो खाना खाओ और गोवा में मज़े करो। मौसम हो रहा बढ़िया शानदार क्योंकि बारिश हो रही है, मतलब हल्की हल्की मिस्ट चल रही है तो बढ़िया हो रहा है मौसम, और यही चाहिए था हमें कि धूप ना हो बस। भाई ये हमने फिश थाली मंगाई है, इसका क्या नाम है, बांगड़ा, बांगड़ा नाम है ना, बांगड़ा मछली साथ में ये कौन सी सब्जी है, ये कड़ी है गोवन कड़ी, और ये साथ में आलू की सब्जी है। चल भाई राणा जी शुरू करो भाई। ये जो कड़ी है ना, कड़ी जिसमें अपन पकौड़ी डालते हैं, यहाँ पकौड़ी नहीं डलती, यहाँ फिश डलती है कड़ी में भी। तो भाई हम खाना खा के बाहर निकले और बाहर हो रही है बारिश, इसलिए अभी हमने थोड़ी देर रुकने का फैसला किया है। ये देखो यहाँ पे लोग क्या है, छाता लेके तो घूमते ही नहीं है, अगर हमने यहाँ पे किसी को भी छाता लेके घूमते ही नहीं देखा, 2-4 टूरिस्ट ही देखे हैं जो छाता लेके चलते हैं, बाकी सब ये पन्नी ले लेते हैं स्कूटर पर चलने के लिए, मतलब 200 रुपये की बताई कि भाई पन्नी लो और स्कूटर पर आराम से घूमो। उसके बाद ये भाई लोग हमारे पड़ोस में बैठे थे शैक के ऊपर और बारिश और तेज़ हो गई भाई, और तेज़ हो गई। तो भाई ये मार्केट है और मार्केट में बारिश में देखो माहौल बढ़िया सेट हो रखा है। अरे हुक्के की वो देख दुकान क्या शानदार है राइट साइड में, वो हुक्के की दुकान गई, बाकी सब टैटू वाले और लोग घूम रहे हैं पैदल पैदल ज़्यादातर, पैदल और स्कूटी, मतलब यहाँ पे क्या गोवा में आने के बाद आपको 4-व्हीलर नहीं लेना चाहिए मेरे हिसाब से, 4-व्हीलर तब लो जब आप 4 लोगों मान लो, और उसमें भी कोशिश करो 2 स्कूटी ले लो, क्योंकि 4-व्हीलर की पार्किंग निकालना उसके लिए जगह है, और फिर घूमना कहीं पर आप गलत आ गए, गूगल ने गलत रूट दिखा दिया जैसे आज हमें दिखाया था, तो फिर आपको यू टर्न लेना और वो सब में प्रॉब्लम है। और 2-व्हीलर में क्या सुविधा है कि 2-व्हीलर आप लोग गलत आ गए कहीं भी आ गए, गली में घुसाना कुछ भी करना है बहुत इजीली, मतलब इजी टू ऑपरेट है, इजी टू पार्क है। अब हमें देखो भाई साहब क्या मस्ती काट रहे हैं, अब यहाँ से बता रहा ना राइट या लेफ्ट, लेफ्ट पक्का, चलो जी। तो अच्छा वाइन शॉप का यहाँ पे क्या सीन है भाई, वाइन शॉप तो इतनी वाइन शॉप है, इतनी वाइन शॉप है पूछो ही मत, और बस एक टेंशन है कि यहाँ पे क्या पुलिस वाले देखते हैं कि यार ये टूरिस्ट है ना, तो भाई मैं कह रहा था कि पुलिस वाले क्या करते हैं कि जैसे अपन बाहर से आए हुए हैं उनको पता है कि टूरिस्ट हैं, और ड्रिंक एंड ड्राइव वाला केस तो बनता ही बनता है क्योंकि मोस्टली लोग यहाँ पे पीने ही आते हैं, तो चांस ये रहता है कि अगर आप 2-व्हीलर पे या 4-व्हीलर पे किराए पे लेके चल रहे हो और आप कहीं बाहर में गए और वहाँ पे ड्रिंक करके आ रहे हो, पकड़ लिया तो 10,000-20,000 का चलान, उससे बेटर है जिस दिन आपको बाहर पीनी हो ना उस दिन आप टैक्सी कर लो, वो ज़्यादा बढ़िया है, महंगी पड़ेगी लेकिन ठीक है सेफ़ रहोगे फिर भी आप। अब हमारा होटल आने वाला है, कहाँ से क्या है उससे करेंगे नेगोशिएट, वो जो बाद में करेंगे, चलो पहले होटल चलते हैं भाई। और काजू थोक के भाव है, टैटू वाले थोक के भाव हैं, और शराब थोक के भाव है, बारिश आ गई तेज खाना रोक लो, अंदर का रखा ना उधर, मैंने क्या नहीं रखा यार, चलो फुल बारिश फुल एंजॉय, आज भीग जाएंगे भाई साहब, रोक इसके नीचे नहीं यार, नहीं, नहीं रोक पाएंगे है ना, नहीं रोक पाएंगे, आ ही गया ना अपना, तो हाँ होटल तो पास ही है, बिल्कुल पास ही है क्रिस्टल कॉटेज, गाना फैमिली रेस्टोरेंट आने वाला है अब तो अपना। तो ये जो कलंगुट का एरिया है ना भाई, ये बहुत लाइवली और बहुत हैपनिंग एरिया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों से यही सुना है कि रुकना यहीं चाहिए, मतलब इसी साइड रुकना चाहिए, तो हम भी अभी यहीं रुके हुए, एक दिन की जो हमारी एक्सटेंशन है वो अभी हम देखेंगे कि हम कहाँ कराएंगे, मतलब एक जो दिन हमारा एक्स्ट्रा बढ़ गया है वो हम कहाँ रुकेंगे वो अभी हम डिसाइड करेंगे। चलो चलो कहाँ गया ना, पीछे छोड़ दिया है, पीछे छोड़ दिया पक्का, हाँ हाँ ये तो नहीं आया था, यू टर्न ले गया, बारिश ने कंफ्यूज कर दिया हमें, और आया तो इसी रोड पे था,
आज तो भीग गए भाई, फुल फुल भीग गए यार। चर्च आया था क्या हम इस गली से? तो आए थे तब नहीं, तो कहीं रोक ले पहले, बात रोक ले, पता कहाँ रोको। बोल कहाँ रोको? रोक ले खाना 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 फिर रोक दो। हाँ तो ये हम पहुंच गए फन रेजिडेंसी, देखना है राणा रुकने के लिए? बाहर से, बाहर से नहीं, बाहर से तो देख लिया। हाँ थोड़ा देख लेते, मतलब इसको परसों के लिए करना है कि नहीं करना है वो डिसाइड करना ना अभी। एक प्रॉपर्टी तो ठीक है, अच्छी है, साफ सुथरी, ब्रांड न्यू प्रॉपर्टी है। एक ये भी है ला डिनेरो, अच्छा फन का ही है, फन का ही है। ब्लैकआउट कैफे एंड बार, इटरनल वेव। यू टर्न मार ले, यू टर्न मारते हैं, भटक गए हैं रास्ता। है तो खैर पास में ही हमारा होटल, पर जो ब्लू स्ट्रीट्स है ना है? वो थोड़ा सा रिजॉर्ट टाइप फीलिंग है ये होटल। हाँ ये तो बिल्कुल होटल टाइप है, मतलब हाँ। ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि वो बंद कमरे वाले जो होटल होते हैं ना, वो सीन है। अंदर जाने के बाद सिर्फ अंदर अंदर का ही दिखेगा, प्रॉपर्टी नहीं है वो, तो की साफ सुथरी प्रॉपर्टी। तो अभी हमारे को ढूंढना है सबसे पहले हमारा ब्लूम सूट्स। हमने कोई ना एक चौराहे पे गलत कट मार लिया और हम गलत आ गए हैं थोड़ा सा। साइलेंसर खुलवा रखा भाई ने, ये हटा दो इसका क्या। हाँ हमारी